नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जमानत मामलों में आपराधिक इतिहास छिपाकर अदालत से बेल लेने वाले आरोपियों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अब प्रत्येक निचली अदालत को किसी भी जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान आरोपी का लोक अभियोजक या अनुसंधानकर्ता से उसके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी लेनी होगी। निचली अदालतों को यह दर्ज करना होगा कि आरोपी के खिलाफ पहले से कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि निचली अदालत अब लोक अभियोजक या पुलिस पदाधिकारियों से मिले आपराधिक इतिहास एवं अन्य जरूरी मापदंडों के आधार पर ही आरोपित की जमानत याचिका को मंजूर या खारिज करेगी। ऐसे में अब जमानत लेना आसान नहीं होगा। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने अनिल बैठा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। बताते चलें कि उक्त जमानत याचिका में आरोपी ने अपने 10 से अधिक आपराधिक इतिहास को छिपाते हुए अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि आपराधिक इतिहास छिपाकर गलत तरीके से जमानत लेने वालों पर शिकंजा कसने के लिए हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।